फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद फ्लिपकार्ट ने मोस्ट अवेटेड सेल द बिग बिलियन डे सेल का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, इसका टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है। खास करके ये सेल का लोग एक साल से इंतजार करते हैं। इसके पीछे का रीजन, कम से कम प्राइस में आईफोन और एंड्रॉइड के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को बाय करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से डेबिट कार्ड एज वेल क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कितना डिस्काउंट होगा? 1000 से लेकर मैक्सिमम 1700 रुपए तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 4th अक्टूबर से लेकर 11th अक्टूबर के बीच में ये सेल कभी भी अनाउंस हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 9th अक्टूबर से ये सेल स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए अगर आप कोई भी आईफोन लेने का सोच रहे हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी इंटरनल अपडेट्स हैं वो आपके साथ बड़े प्यार के साथ शेयर की जाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले iPhone 14 के साथ। जी हाँ, ये फोन की करंट प्राइस है 65,000, लेकिन BBD सेल में इस फोन को आप बिना कार्ड ऑफर 50,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं। और अगर आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक का कार्ड यूज करते हैं तो 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का डिस्काउंट यानी कि 48,500 रुपीज में आप iPhone 14 को ले सकते हैं। iPhone 14 प्लस की बात करें तो इसकी प्राइस iPhone 14 से 10,000 रुपए ज्यादा होगी, नियर 60,000। अब दोस्तों, जिनका बजट 50,000 नहीं है, 42,000 तक है, तो उनके लिए सबसे अच्छा फोन iPhone 13। आज की डेट में भी ये फोन मोस्ट सेलिंग iPhone है। अगर आपकी प्रायोरिटी बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमरास, डिसेंट परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजें अगर आपकी प्रायोरिटी हैं, तो डेफिनेटली आप iPhone 13 को कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। 42,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आप इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है iPhone 14 Pro। 90,000 से लेकर 95,000 तक आप इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट iPhone 14 Pro Plus, 1 lakh to 1 lakh 5,000। अब दोस्तों, सबसे क्रेजी डील iPhone 12। काफी सारे लोगों ने मुझे Instagram पर DM किया था, इस बिग बिलियन डे सेल में 30,000 से लेकर 35,000 रुपीज के बजट में कौन सा iPhone लेना चाहिए। तो डेफिनेटली iPhone 12, 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। जी हाँ, आप इस फोन को 30 से लेकर 35,000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस फोन में कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दोस्तों, डिस्प्ले की ओर नजर करें तो 6.1 इंच की सुपर रेटिना OLED HDR डिस्प्ले इस फोन में ऑफर की गई है और इसी के साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट। 625 निट्स की यहां पर आपको ब्राइटनेस ऑफर की गई है एंड जो HDR की पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स। जो कलर्स हैं, सेचुरेशन लेवल हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हैं। आउटडोर कंडीशन में मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करवा देता हूं। डिस्प्ले विजिबल रहती है, मुझे ब्राइटनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मुझे जहां तक लगता है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता आपको इस फोन की डिस्प्ले से कोई भी शिकायत होगी। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में A14 बायोनिक चिप ऑफर की गई है। सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिक्योरिटी के मामले में आईफोन मच बेटर कंपेयर टू एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन। मैं दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी एंड्रॉइड की बुराई नहीं कर रहा हूं। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों अलग अलग चीज है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। डे टू डे टास्क, नॉर्मल गेमिंग या फिर हाई ग्राफिक वाली गेमिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एप्लीकेशन को ओपन करना या क्लोज करना, डेफिनेटली ये फोन फास्ट फील होता है। 7 लाख से ऊपर इसका एंटूटु स्कोर आया है जो आप देख सकते हैं। इवन गीकबेंच स्कोर भी मैंने ये फोन का चेक किया, वहां पर भी इस फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नो डाउट परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल परफॉर्मेंस एज वेल हार्डकोर परफॉर्मेंस। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो ये इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है और यहां पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं iPhone 12 और iPhone 13 के कैमरा में क्या डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो दोनों ही फोन में सेम 12 मेगापिक्सल का मैन अल्ट्रावाइड एज वेल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन जो मैन प्राइमरी कैमरा सेंसर है वहां पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस स्टेबिलाइजेशन को लेकर। iPhone 12 में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि दूसरी ओर iPhone 13 में सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि स्लाइडली बेटर स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करता है कंपेयर टू iPhone 12। दूसरा डिफरेंस सिनेमेटिक मोड, फोटोग्राफी स्टाइल, तो ये फीचर आपको iPhone 13 में देखने को मिलते हैं, iPhone 12 में ये फीचर देखने को नहीं मिलते। तीसरा डिफरेंस, iPhone 13 में आप 4K 60 FPS पर HDR वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि iPhone 12 में 4K 30 FPS पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो नो डाउट iPhone 13 कैमरा के मामले में बेटर है कंपेयर टू iPhone 12।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही फोन की कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन लो लाइट में डिफिकल्ट सिचुएशन में आईफोन 13 की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर है। आपको नॉइज बहुत ही कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू आईफोन 12। बैटरी बैकअप की ओर नजर करें तो नॉर्मल यूसेज में आप इस फोन से एक दिन का बैटरी बैकअप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी के साथ 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो दोस्तों अगर आपको 42,000 के आसपास की प्राइस रेंज में एक अच्छा आईफोन चाहिए और वो भी 4 साल तक यूज करना है तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। डिस्प्ले क्रिस्टल क्लियर, परफॉर्मेंस टॉप नॉच, लुक एंड डिजाइन वेरी अट्रैक्टिव, एडवांस कैमरा सिस्टम, तो ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।